लैंग्वेज डेवलपमेंट इन यू के डी स्टूडेंट मुझे आपसे लैंग्वेज डेवलपमेंट इन यू के पर बात करनी है यानी यू के में लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रैक्टिस क्या हैं और कैसे होती है तो ऑफिशियल एंड रीजनल लैंग्वेज़स इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल ऑफ़ यू के एंड स्पोकन बाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो uh, जो इंग्लिश है वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और मेजोरिटी लोग इंग्लिश बोलते हैं वेलिश स्कॉटिश जेलक एंड आयरिश आर आल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज इन समीजन् कुछ इलाकों में ये जुबानें भी जो मैंने जिनके नाम लिए ये भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्कॉट उल्स्टर स्कॉट्स एंड कॉर्निश आर आल्सो रीजनल लैंग्वेज इन वेरियस रीजन् पार्ट्स ऑफ यू के और रीजनल डायलैक्ट uh, जो उनके रीजनल लहजे हैं विद uh, इंग्लिश एज अर्ने जोरडिक एंड स्काउस ये तीन uh, उनके uh, मुख डक्ट हैं जो मुख्तु इलाकों में उनके हैं और वाज तौर पर उनका पता लगता है अर्ली लैंग्वेज डिवेलपमेंट इन यू के अर्ली इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज डिवेलपमेंट रिच इन्वायॉयरमेंट आर तो लैंग्वेज डिवेलपमेंट के लिए अर्ली रिच इन्वायॉर्मेंट प्रोवाइड करना यह बड़ा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डिवेलपमेंट के लिए और वहाँ फ्राहम किया जाता है रोल ऑफ लाइब्रेरी स्कूल्स इज़ आल्सो इम्पॉटेंट इन शेपिंग लैंग्वेज मैंने चूँकि वहाँ ख़ुद एक लाइब्रेरी की केस स्टडी की और एक स्कूल की केस स्टडी की तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से स्कूल और लाइब्रेरीज़ बहुत उनका गहरा रोल है और वो अदा करते हैं और पेरेंट्स एंड केयरगिर्स एक्टिवली एंगेज यानी स्कूल और पेरेंट्स यानी मिलकर वहाँ एसोसिएशन्स बनी हुई हैं तो मिलकर वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से काम करते हैं और लैंग्वेज इंटरेक्शंस विद देयर चिल्ड्रन तो बच्चों का आपस में भी इंटरेक्शन होता है और पेरेंट्स के साथ भी मिलकर उसको किया जाता है लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज इज कोर्स कोर सब्जेक्ट इन द नेशनल करिकुलम जो इंग्लिश है, है ये वहाँ की जो करिकुलम है वो उस नेशनल करिकुलम है उसमें एक कोर सब्जेक्ट है और इंग्लिश प्रोफिशंसी फॉर सोशल इंटरेक्शन एजुकेशन एंड इम्प्लाबल इम्प्लाबलिटी अपॉर्चुनिटीज़ ये उन सब के लिए भी बहुत अहम है और बायो लिंग एंड मल्टी लिंगल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन यू के तो यू के में ये प्रोग्राम्स मल्टी लिंगज़म और बायोलिंगजम प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं और प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंडस तो चूँकि यू के में भी तारकिन वतन बहुत ज़्यादा हैं लिहाजा उनको उनकी कल्चर को की आइडेंटिटी पर कायम रहते हुए उनको इंग्लिश भी सिखाई जाती है और उस पर वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे उन पर काम किया जाता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इमिग्रेंट कम्युनिटीज क्रिएट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन यू के जो इमिग्रेंट्स हैं यानी तारकिन वतन हैं uh, मैं ख़ुद लश्र शहर में रहा तो वहाँ मुखलिफ़ तारकिन वतन थे जैसे इंडिया से थे पाकिस्तानी थे आ, अफ्रीकन थे तो उन सब के वो डेज़ को वो सेलिब्रेट करते थे और स्कूलों में भी उनको स्पेस दी जाती थी सो ब्रिंगिंग रेंज ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़ तो चूँकि ये तारकिन वतन अपने अपने मुल्कों की कंट्रीज़ की लैंग्वेज़ ले कर जाते थे वहाँ जो इब्ताई तौर पर उनकी डिवेलप हो चुकी होती थी तो उसको भी वो सिक्योर करते थे और उसको इंग्लिश uh, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कन्वर्ट करते थे और दीज कम्यूनिटीज़ एड टू द लैंग्वेज लैंडस्केप ऑफ यू तो ये जो कम्यूनिटीज़ uh, थी वो यू के लैंग्वेज लैंडस्केप में इजाफा करती थी और एफर्ट्स मेड टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज जैसे स्कॉटिश और जेलक और आयरिश इन इन लैंग्वेज uh, को भी uh, फ़्रो देने पर तोज दी गई और टू मेंटेन कल्चरल आइडेंटिटीज़ और जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी मेंटेन रखते हुए और लिंग्विस्टिक हेरिटेज जो जो ज़बानों का सकाफती वरसा है उसको भी प्रोटेक्ट करते हुए लैंग्वेज सपोर्ट तो प्रोग्राम सच एज़ इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज सपोर्ट फॉर अवेलेबल इन यू तो एडिशनल जो इंग्लिश ये सपोर्ट के तौर पर यानी इसके लिए भी एक प्रोग्राम मुहैया है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और फिर डिजिटल टूल्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट तो डिजिटल टूल्स और, तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए किया जाता है तो इन ये इसका डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इवन मैंने प्राइमरी स्कूल में वहाँ देखा कि कंप्यूटर के ज़रिए इंटरेक्शन के ज़रिए बच्चों को वो रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लिटरेसी स्किल्स भी उनके बढ़ाए जाते थे इसकी मदद से सो लैंग्वेज इन सोसाइटी रीजनल डायलैक्ट्स एंड लैंग्वेज वेरिएशन विद इन यू के जो भी कौमें मुख तारकिन वतन थी यहाँ जो नेटिव थे उन सब के डायलैक्ट्स अलग अलग थे तो वो आपस में इंटरेक्शन से बाजुकात वो डायलैक्ट्स चेंज भी हुए या उनमें मॉडिफिकेशंस भी हुई और सच एज कोकेने जोरडाई एंड स्काउस ये वहाँ के लोकल डायलैक्ट्स हैं जो टोन्स हैं जो वहाँ बोले जाते हैं एंड देयर इन्फ्लुंस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ एंड आइडेंटिटी इनका भी उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और आइडेंटिटी पर असर होता था सो इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव लैंग्वेज यानी बैक वक़्त बहुत सी ज़बानों का शामिल होना या सीखना ये पॉलिसीज यू के गवर्नमेंट ने फ्राहम की और प्रैक्टिस के लिए भी वसायल फराहम किए और दैट वैल्यू द एंड रिस्पेक्ट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ़ यू के जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यू के में है उसको को वैल्यू किया जाता और उसकी रिस्पेक्ट की जाती तो ये था लैंग्वेज डेवलपमेंट यूके जो कि मैंने आपसे डिटेल्स से, डिटेल से आपके साथ बात की है